morning, dear students. Today we will read chapter 2, A Girl's Incredible Journey from Syria, and it is written by Nuzin Mustafa. This is from class 8 English Alive course book. So let's start. This is a memoir. Read a true story. In this chapter we will read a true story about a teenager forced to flee from the Syrian war. बच्चों 2016 में एक जब सीरिया का युद्ध छिड़ा था, ये वॉर चल रही थी, तो वहाँ से जो फोर्सफुली जो लोग वहाँ से रिफ्यूजी वहाँ से अपनी जान बचाकर जो गए थे, तो उन्हीं में से एक नूज़ीन मुस्तफ़ा भी थी और जिन्होंने ये चैप्टर अपनी मेमोयर लिखी है. तो आइए शुरू करें. हाउ डू यू थिंक वॉर अफेक्ट्स पीपल? आपको कैसे लगता है बच्चों कि वॉर जो है, युद्ध जो है, वो कैसे अफेक्ट करते हैं लोगों को, कैसे प्रभावित करते हैं उनकी लाइफ को? डू यू थिंक द फिज़िकली चैलेंज्ड आर इवन मोर अफेक्टेड बाय द वॉर? आपको लगता है जो फिज़िकली चैलेंज होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस वॉर से? रीड दिस स्टोरी ऑफ नूज़ीन मुस्तफ़ा. आइए ये स्टोरी पढ़ते हैं नूज़ीन मुस्तफ़ा की. अ टीनेजर बॉर्न विद सेरेब्रल पैल्सी. एक टीनेजर हैं जो, और जो वो बॉर्न हुई थी तो उन्हें जन्म से ही ये बीमारी थी, तो सेरेब्रल पैल्सी. ये एक ऐसी कंडीशन है, अ कंडीशन विच मेक्स द लिम्स एंड मसल्स परमानेंटली वीक, जिसमें लिम्स और मसल्स जो हैं परमानेंटली वीक हो जाते हैं. शी वॉज फोर्स टू फ्ली फ्रॉम हर कंट्री सीरिया, वेयर द वॉर बिगेन देयर. जहाँ ये उन जो कहानी है उसमें उनको फोर्स किया गया उन लोगों को अपने देश से, सीरिया से, जहाँ पे वॉर छिड़ी हुई थी, वहाँ से फ्ली करने की, वहाँ से अपने देश को छोड़ के जाने की. फ्रॉम द सी द आइलैंड लुक मच फर्दर अवे. समुद्र से जो है आइलैंड काफ़ी दूर दिखाई दे रहा था. अवर डार्क ग्रे डिंगी वॉज वेरी स्मॉल. हमारी जो डार्क ग्रे कलर की जो डिंगी थी वो बहुत ही छोटी थी. बच्चों डिंगी होते हैं स्मॉल बोट, बहुत छोटी बोट. इवन दो वी हैड पेड एक्स्ट्रा जस्ट टू बी द 38 ऑफ अस. हमने हालांकि पे किया था पैसा एक्स्ट्रा, और फिर भी उस बोट में 38 लोग थे. विच वॉज मच बेटर दैन द 50, जो कि 50 से कहीं गुना अच्छे थे. और सो वी हैड सीन क्रैम्ड इन टू अर्लियर बोट्स. और क्रैम्ड होता है बच्चों कम्प्लीटली फिल्ड. जो पूरे पहले वाली जो बोट्स थी वो पूरी क्रैम्ड थी, सभी भरी हुई थी. इट वॉज स्टिल मोर दैन डबल. लेकिन ये जो हमारी बोट थी 38 लोग थे, तो ये फिर भी मोर देन डबल थी, क्योंकि 15 मैक्स इट सेड ऑन द बॉक्स. क्योंकि उसके बॉक्स पे लिखा था 15 मैक्स. उस बोट में 15 मैक्सिमम लोग ही बैठ सकते थे. पर्टिकुलरली विद माई व्हील चेयर, और जबकि मेरे पास व्हील चेयर भी थी. एंड इट फेल्ट वेरी स्क्वैश्ड, और ऐसा लग रहा था हम बहुत स्क्वैश्ड. स्क्वैश्ड होता है स्क्वीज्ड, एकदम भिचन हो जाना. ठीक है बच्चों. Like everything I was doing, it was my first time on a boat. तो जो भी मैं कर रही थी वो सब मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था बोट पर जाने का, पहला पहला मेरा अनुभव था. I felt like a 6-year-old girl. और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक 6 वर्ष की एक छोटी लड़की हूँ, not a 16-year-old, ना कि 16 साल की. Why are you nervous? Sad asked Nasreen. Nasreen ने पूछा तुम नर्वस क्यों हो? I am not nervous. I am excited. Doing everything for the first time, I replied. मैंने रिप्लाई किया, मैंने उसको जवाब दिया कि मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं एक्साइट हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ जो है ये पहली बार ही कर रही हूँ. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ. इट्स नॉट एक्साइटमेंट, इट्स फियर, शी सेड. उसने कहा कि ये एक्साइटमेंट नहीं है, ये डर है. डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो नहीं. शी नेवर शोड हर own fear because she knew everything she did would affect me. वो अपना जो डर है वो बाहर से नहीं दिखा रही थी नसरीन, क्योंकि उसे पता था वो जो भी कुछ करेगी उसका प्रभाव मुझ पर ही पड़ेगा. She was the one who knew the outside world. वो ही थी जो बाहरी की दुनिया को जानती थी. एंड आई टुक ऑल माई क्यूज़ ऑन हाउ टू रिएक्ट फ्राम हर. और मुझे अपने सारे क्यूज़ होते हैं सिग्नल्स, वहीं से मिलते थे जैसे जैसे वो रिएक्ट करती थी. ठीक है. आई डिड माई डीप ब्रीदिंग फ्रॉम ब्रेन गेम्स. बच्चों ब्रेन गेम्स जो है एक टीवी शो का नाम है. आई डिड माई डीप ब्रीदिंग, फिर मैंने गहरी सांसें ली. एंड लुक्ड अराउंड द बोट एट एवरीवन, और फिर
सभी को, जो बोट में जितने भी लोग थे उन सभी को, सभी की तरफ देखा। वी वर ऑल स्पेस्ड आउट फ्रॉम 2 डेज विद लिटिल स्लीप। अब पिछले 2 दिनों से हम बहुत कम सोए थे तो हम सभी स्पेस्ड आउट थे। स्पेस्ड आउट होते नॉट कम्प्लीटली कॉन्शियस। देन बींग इन द हॉट सन विद नथिंग टू ड्रिंक, और फिर हम हॉट सन में ट्रैवल कर रहे हैं और जहाँ की पीने के लिए कुछ नहीं था। माई 3 कजन्स हुज मदर एंड फादर हैड बीन शॉट, मेरे जो 3 कजन जिनके मम्मी पापा शॉट कर दिए गए थे, जिनको मार दिया गया था, वर सैड एंड क्वाइट, चुप थे एकदम और बहुत उदास थे। मैनी पीपल हैड क्लोज देयर आइज, और बहुत सारे लोगों ने अपनी आँखें बंद की थी, एंड वर प्रेइंग, और वो प्रार्थना कर रहे थे। नसरीन वॉज क्राउचिंग ऑन द फ्लोर ट्राइंग टू होल्ड माई चेयर स्टिल, और नसरीन जो थी वो क्राउचिंग मतलब होता है बच्चों स्क्वैटिंग, सिटिंग विद द लेग्स बेंट अंडर द बॉडी एंड द हेड लो, अपने सिर को झुकाकर पैरों को मोड़कर बैठ जाना। तो नसरीन जो है वो क्राउचिंग फ्लोर पर ऐसे बैठ गई थी घुटने मोड़कर, और मेरी चेयर को उसने होल्ड कर लिया था। आवर एल्डर सिस्टर नहदा डिंट लुक एट द सी, मेरी जो बड़ी बहन थी नहदा वो सी की तरफ नहीं देख रही थी, समुद्र की तरफ। हर बेबी एंड द 3 लिटिल गर्ल्स वर ऑल क्राइंग, और जो उसकी बेबी थी और जो बाकी जो 3 लड़कियां और थी वो सभी रो रही थी। एंड शी वॉज फोकस्ड ऑन कामिंग देम, और उसका जो सारा ध्यान था वो उन तीनों को चुप कराने में था। शी वॉज स्ट्रेस्ड बिकॉज शी हैड डिसाइडेड टू टेक हर चिल्ड्रन आउट ऑफ द पॉइजन्ड एनवायरनमेंट ऑफ वॉर टू समवेयर दे कुड गेट ऑन विद लाइफ, और वो काफ़ी स्ट्रेस थी, काफ़ी चिंतित थी, और क्योंकि उसने डिसाइड किया था अपने बच्चों को उस जहरीले एनवायरनमेंट वातावरण से निकालने के लिए। कौन सा जहरीला वातावरण है बच्चों? यहाँ पर युद्ध का, वॉर का। वो उन बच्चों को ऐसी जगह लेके जाना चाहती थी जहाँ वो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके, गो टू स्कूल, जहाँ पे बच्चे स्कूल जा सकें। बट नाउ इट सीम्ड लाइक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लग रही है फॉर अ 33-year-old अलोन, जो कि एक इकलौती महिला हैं, वो भी 33 years old हैं। एंड शी वंडर्ड व्हाट शी हैड डन, अब उन्हें हैरानी हो रही है कि उन्होंने ये क्या कर दिया। अंकल अहमद वॉज ऑल फॉर अब्रॉड ट्राइंग टू ड्राइव द बोट, फॉर अब्रॉड होता है बच्चों हैविंग लाइन्स ऑन द वरी ऑफ द फोर हेड, माथे पर शिकन आना, चिंतित चिंता के कारण लाइनें आ जाना। तो अंकल अहमद जो थे उनको काफ़ी चिंता थी और वो बोट को ड्राइव कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे बोट को ड्राइव करने की। ही हैड स्पेंट द लास्ट 2 डेज इन द होटल इन इज़मिर स्टडिंग यूट्यूब वीडियोज़ ऑन हाउ टू डू इट, और जो अंकल अहमद थे उन्होंने पिछले 2 दिनों से होटल में इज़मिर में, इज़मिर एक सिटी है टर्की में बच्चों, तो इज़मिर में एक होटल में उन्होंने लास्ट 2 डेज जो हैं स्पेंड किए स्टडी करने में, यूट्यूब में वीडियोज़ देख रहे थे कि हाउ टू डू इट, कैसे बोट को ड्राइव किया जाता है। एट द स्टार्ट ही गन्ड द इंजन टू मच, शुरू शुरू में उन्होंने इंजन को चलाया, एंड वी शॉट फॉरवर्ड दैन zigzagged अ बिट, उसके बाद वो शॉट हुई नाव जो उनकी बोट थी वो चली, और लेकिन zigzag चल रही थी कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने उसका कोर्स जो है अ बिट एज ही ट्राई टू करेक्ट द कोर्स, उसके बाद वो उसका जो कोर्स है बोट का वो ठीक कर रहे थे। लुक आउट शाउट शाउटेड आंट शिरीन एज वी बम्प्ड राइट इनटू अ वेव, जैसे ही हमारी जो नाव थी, हमारी बोट थी, वो जैसे ही लहरों में बम्प एकदम टकरा रही, टकराने वाली थी राइट साइड पे, तो आंट शिरीन ने कैसे चिल्लाया, लुक आउट, देखो देखो, एंड वाटर केम ओवर द साइड्स, और फिर वो जो पानी है हमारी नाव में आ गया। द सी वॉज मच लेस काम दैन इट हैड लुक्ड अर्लियर इन द डे, और जैसे जो समुद्र था वो दिन की अगर कंपैरिजन करें तो दिन में थोड़ा शांत था, अब इतना काम नहीं था। टू स्टार्ट विद इट वॉज नाइस टू फील द स्प्रे आफ्टर बींग इन द हॉट सन ऑल डे, और शुरुआत करने के लिए जैसे पूरा दिन हम सूरज की रोशनी में तप रहे थे, तो ये जो हमारे ऊपर स्प्रे हुआ, पानी की लहर हमारे ऊपर आई, तो ये अच्छी स्टार्ट थी। फाइनली माई यंग फॉर एवर लव टी शर्ट आई हैड वॉर्न फॉर डेज वॉज गेटिंग अ वॉश, फिर फाइनली जो मैंने टी शर्ट जो पहनी थी यंग फॉर एवर लव जिस पर लिखा था, वो टी शर्ट जो मैंने कई दिन से पहनी थी उसको एक वॉश मिल गया, वो धुल गई। बट एज वेव्स पिच्ड अस अप एंड डाउन
जैसे कि लेकिन जो लहरें थी वो हमें पिच कर रही थी ऊपर नीचे की तरफ, हमें धकेल रही थी हमारी नाव को। सम ऑफ माई कज़न स्टार्टेड रैचिंग। तो बच्चों रैचिंग होता है मेकिंग साउंड्स एज इफ़ यू वर वॉमिटिंग बट नॉट एक्चुअली वॉमिटिंग। आपको ऐसा लगता है आप उल्टी करने वाले हो लेकिन उल्टी नहीं करते, लेकिन वो साउंड्स आती हैं। तो उनके जो कज़न्स थे, मेरे कज़न्स जो हैं वो ऐसी रैचिंग कर रहे थे। अदर्स वर क्राइंग, बाकी लोग रो रहे थे एंड स्क्रीमिंग और चिल्ला रहे थे। ओ गॉड, हे भगवान, एट वन पॉइंट अ वेव टोस्ड अस राइट टू वन साइड। और एक वेव ऐसी आई जिसने हमें राइट साइड की तरफ धकेल दिया। एंड माई आंट लॉस्ट हर बैग विद ऑल हर वैल्यूएबल्स। और जो मेरी आंट थी उनके पास जो बैग था उसमें वैल्यूएबल्स थी, सभी उनकी कीमती चीज़ें थी, वो बैग उनका खो गया। वी सीम्ड वेरी लो इन द वाटर। अब हमें पानी में बहुत डर भी लग रहा था और हम काफ़ी लो फील कर रहे थे। माई कज़न्स यूज देयर शूज़ टू स्कूप वाटर आउट ऑफ द डिंगी। और जो मेरे कज़न्स थे वो अपनी जो शूज़ है उसको यूज़ कर रहे थे, जो डिंगी में बोट में जो पानी भर गया था उसको बाहर निकालने के लिए, स्कूप करने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। समटाइम्स पीपल थ्रो थिंग्स ऑफ। और कई बार लोगों ने उस बोट में, जैसे पानी भर के अगर डूब ना जाए बोट, इसलिए उस कुछ चीज़ें उस बोट से बाहर फेंकना शुरू किया। बट वी डिडंट हैव मच, लेकिन हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था फेंकने के लिए। वी शुड नेवर हैव ब्रॉट द व्हील चेयर, सेड महमूद। महमूद ने क्या बोला कि हमें ये व्हील चेयर नहीं लेके आनी चाहिए थी। आई फेल्ट आई शुड बी वरीड। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे थोड़ा चिंतित होना चाहिए। आई न्यू दिस वाटर माइट बी आवर ग्रेव। ग्रेव होता है बच्चों कब्र, अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन इज बरीड। आई न्यू दिस वाटर माइट बी आवर ग्रेव। मैं जानती थी कि ये जो पानी है समुद्र का, ये हमारी कब्र बन सकती है। एंड ऑफकोर्स आई कॉन्ट स्विम। और ऑफकोर्स मैं तैर नहीं सकती थी। आई हैड नेवर बीन इन वाटर। मैं कभी पानी में नहीं गई थी। नन ऑफ अस कुड स्विम। और हम में से कोई भी तैरना नहीं जानता था। येट सिटिंग इन माई व्हील चेयर हायर देन एवरी वन एल्स। और जबकि मैं व्हील चेयर पर जब मैं बैठी थी, हायर देन एवरी वन, हर किसी से मैं सबसे ऊंची दिखाई दे रही थी बैठी हुई। आई थॉट ऑफ माई सेल्फ लाइक पोसिडो द गॉड ऑफ द सी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं समुद्र की देवता हूँ, पोसिडो। इन हिज चैरियट, अपने रथ पर सवार हूँ। आई ट्राई टू इमेजिन द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस होता है समुद्री घोड़ा। और मैं इमेजिन कर रही थी कि ये हिप्पोकैम्पस है द हाफ हॉर्स हाफ फिश दैट टोड इट अलोंग, जो कि इसे खींच रहा है। एंड फैंसीड, फैंसीड मीन्स अनुमान लगाना, दैट थ्रू द स्प्रे ऑफ मिस्ट, जैसे ये स्प्रे हुआ मिस्ट का, मिस्ट होता है धुंध। आई कुड सी द नेरिडस द डॉटर्स ऑफ पोसिडोन। जो पोसिडो की जो बेटियां हैं नेरिडस, उनको उसने इमेजिन किया। राइडिंग द हॉर्स फेस, टॉसिंग द लॉन्ग हेयर एंड लाफिंग इन द विंड, जो कि अपने बालों को टॉस कर रही हैं, हिला रही हैं और लाफ कर रही हैं हवा में। उसने ऐसा सारा इमेजिनेशन किया कि ये सब होता। आई स्माइल एट द थॉट, जैसे मैंने ये सोचा तो मैं स्माइल किया। मैंने लुक नहदा हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। और उसने नहदा से पूछा मैंने कि कितना सुंदर है ये दृश्य। आई क्राइड एज वी वर टॉस्ड अप एंड डाउन। और जैसे ही उनकी वेव से उनकी जो बोट है वो जैसे ही टॉस हुई और अप डाउन होने लगी तो मैं चिल्लाई। आई लाफ्ड एवरी टाइम वी वर हिट बाय अनदर वेव इवन दो वी वर ड्रेंच्ड थ्रू। जबकि हम हर वेव से पूरे भीग जाते थे, लेकिन हर वेव के साथ मेरी हंसी निकल जाती थी, मैं बहुत हंसती थी। यू नीड अ साइकेट्रिस्ट लाफिंग हेयर सेड समवन। फिर किसी ने कहा तुम यहाँ पर हंस रही हो ऐसी सिचुएशन में, तो तुम्हें तो एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। एक्चुअली आई वॉज प्रेइंग टू बट क्वाइटली। एक्चुअली मैं भी प्रार्थना कर रही थी लेकिन क्वाइटली, चुपके से, शांत होकर। वी वर सो इंटेंट ऑन अवर ओन बोर्ड दैट वी डिडंट सी व्हाट हैपेंड टू द अदर थ्री लिविंग विद अस। हम इंटेंट होता है बच्चों फोकस करना। हम अपनी बोर्ड पर इतने इंटेंट थे, इतने फोकस थे कि हमने ये देखा ही नहीं कि जो दूसरी, जो बाकी जो तीन बोट्स थी जो हमारे साथ ही आई थी, उनका क्या हुआ। बट मुस्तफ़ा
जो लेकिन जो मुस्तफ़ा है वो स्क्रैम्बलिंग अप, स्क्रैम्बलिंग होता है बच्चों क्लाइंबिंग क्विकली यूजिंग बोथ हैंड्स एंड फीट, अपने दोनों हाथों पैरों से एकदम ऊपर चढ़ जाना द क्लिफ टू फॉलो अवर जर्नी विद बाइनोकुलर्स, फिर बाइनोकुलर्स से हमारी जर्नी को फॉलो करने के लिए एंड रिपोर्ट बैक टू अवर पेरेंट्स, और हमारे पेरेंट्स को रिपोर्ट देने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। वाज हॉरिफाइड, ये बहुत भयानक था। एज ही वॉच, जैसे ही उसने देखा, द फर्स्ट बोट लेफ्ट विद द वेव्स, जो पहली बोट थी वो वेव्स के साथ चली, एंड वॉज क्विकली ओवरटर्नड, और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी वो ओवरटर्न हो गई थी, पलट गई थी। वी वर द सेकेंड बोट टू गो, और हमारी जो बोट थी वो दूसरी थी। द थर्ड गॉट मच ऑफ द वे, और जो थर्ड बोट थी एंड टर्न क्लोज टू द आइलैंड, और वो का थोड़ी दूर तो चली थी लेकिन जैसे आइलैंड के पास पहुँची वो वहाँ पर पलट गई। लीविंग द पीपल्स टू स्विम, उसमें से जो लोग थे उनको छोड़ दिया स्विम करने के लिए। द फोर्थ वॉज पिक्ड अप बाई द टर्किश कोस्ट गार्ड, और जो फोर्थ थी, जो बोट थी फोर्थ, वो टर्किश कोस्ट गार्ड के द्वारा उठा ली गई थी। मुस्तफ़ा वॉज इन टीयर्स ऑन द फोन टू माई फादर बिकॉज ही डिडंट नो इफ इट वॉज अस, जो मुस्तफ़ा है वो आंसुओं में थे, रो रहे थे फ़ोन पर जो मेरे फादर से बात कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे ये हम सब हैं। In fact, we were better off as there was were fewer of us compared with the other boats. And Uncle Ahmed's YouTube lessons had proved useful. Fact तो ये था, सच्चाई तो ये थी कि हम उनसे ठीक थे, क्योंकि कुछ से अगर हम कंपेयर करें दूसरी बोट से, और जो यहाँ पर अंकल अहमद की YouTube lessons हैं वो प्रूव हो रहे थे यूज़फुल, काम आ रहे थे उनके YouTube lessons. He went against the waves. वो वेव्स के अगेंस्ट में जा रहे थे, इंस्टेड ऑफ विद देम, वेव्स के साथ जाने से अच्छा है वेव्स के अगेंस्ट में वो जा रहे थे। एंड गॉट अस टू सिट मोर ऑन द साइड वेयर द वेव्स वर हिटिंग द बोट टू कीप इट डाउन, और उन्होंने हमें साइड में बैठने के लिए सबको बोला ताकि वो जो लहरें आ रही थी उससे बोट ऊपर ना उठे। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, अ मिस्ट केम डाउन एंड वी कुड नो लॉन्गर सी लेस्बोस अहेड, फिर एक मिस्ट होता है बच्चों अ क्लाउड ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जस्ट अबव द ग्राउंड, एक मिस्ट जो है वो नीचे आई और हम फिर उसको लेस्बोस को आगे नहीं देख पाए। आई होप्ड वी वर गोइंग द राइट वे, मुझे उम्मीद है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। महमूद केप्ट लुकिंग एट माई व्हील चेयर, और महमूद जो है लगातार मेरी व्हील चेयर को देखता जा रहा था। आई न्यू वी हैड एग्रीड, मैं जानती थी हमने ये इस बात पर एग्री किया है दैट इफ़ इट बिकेम अ डेंजर, कि अगर कोई भी खतरा हुआ वी वुड थ्रो इट इन टू द सी, और हम इस व्हील चेयर को समुद्र में फेंक देंगे। बट श्योरली ही वुडंट रियली डू दैट, लेकिन श्योरली वो ऐसा नहीं करेगा। आई केप्ट एन आई आउट फॉर पायरेट्स एंड टर्किश कोस्ट गार्ड्स बट द ओनली पीपल एट सी सीम टू बी रिफ्यूजीज, मैंने जो है नज़र जमाए रखी। कैप्ट एन आई आउट फोर का मतलब है बच्चों कैप्ट लुकिंग फोर, कैप्ट ऑब्जर्विंग, देखते रहना। तो जो मेरी तो चेयर ऊपर थी व्हील चेयर, तो मैं पायरेट्स को, पायरेट्स होता है बच्चों समुद्री लुटेरे, एंड टर्किश गार्ड कोस्ट गार्ड्स, उनको मैं देखती रही। बट द ओनली थिंग, लेकिन मुझे जो लोग दिखाई दिए समुद्र में वो सिर्फ रिफ्यूजीज़ ही दिखाई दिए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर मेकिंग द क्रॉसिंग एवरी डे, सैकड़ों जो लोग थे क्रॉसिंग कर रहे थे वो समुद्र में प्रतिदिन। एंड टू अदर डिंगीज वर नॉट फार बिहाइंड अस, और जो दो और बोट्स थी वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं, पीछे ज़्यादा नहीं थी। आई डिडंट रियलाइज हाउ क्लोज डेथ वॉज, और मुझे एहसास भी नहीं था कि डेथ हमारे इतने नज़दीक है। जस्ट अ स्मॉल टीयर इन द फैब्रिक फ्रॉम माई व्हील चेयर कैचिंग, अगर एक छोटा सा भी ड्रॉप टीयर जो है मेरे फैब्रिक जो मेरे कोट है उस पर व्हील चेयर पर अगर पड़ेगा, एंड वी कुड हैव कैप्साइज्ड, तो हमारी जो कैपसाइज होता है बच्चों ओवरटर्न, हमारी जो बोट है वो टर्न हो सकती है। और अ लार्ज वेव कुड हैव टर्न द बोट ओवर एट एनी मोमेंट, या फिर कोई बड़ी सी वेव आए और हमारी बोट को एकदम किसी भी मोमेंट पे टर्न कर सकती थी। दैट्स व्हाट हैपन टू अनदर सीरियन फैमिली मेकिंग द क्रॉसिंग ऑन द सेम डे, और यही हुआ है उस सीरियन फैमिली के साथ जो कि सेम डे में क्रॉसिंग कर रहे थे। वी डिडंट नो देन
बट क्रॉसिंग अर्लियर दैट डे इन दोज चोपी वाटर्स अ लिटिल साउथ ऑफ अर्स फ्रॉम द बोर्डरम पेनिनसुला टू कोस वॉज अ डिंगी लाइक अर्स. चॉपी होता है बच्चों विद लॉट ऑफ स्मॉल वेव्स नॉट काम, जो कि शांत नहीं है, बहुत सारी वेव्स हैं छोटी छोटी और हमें नहीं पता क्रॉसिंग उससे पहले जिस दिन की थी. जो चॉपी वाटर्स हैं, वेव्स हैं वो साउथ में, लिटिल साउथ ऑफ अर्स फ्रॉम द बोर्डरम की तरफ से पेनिनसुला. पेनिनसुला होता है अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर बट जॉइंट टू अ लार्ज पीस ऑफ लैंड. टू कॉस, कॉस ये एक जगह है, वॉज अ डिंगी लाइक अवर्स, हमारी बोट की ही तरह. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ. इनसाइड वर 16 सीरियंस इंक्लूडिंग अ बारबर कॉल्ड अब्दुल्ला कुर्दी, हिज वाइफ रेहाना एंड देयर टू लिटिल बॉयज 5 ईयर गालिब एंड 3 ईयर ओल्ड अहलान. तो वहाँ पर जो 16 सीरियंस थे उसमें से एक बारबर था जिनका नाम अब्दुल्ला कुर्दी था, उनकी वाइफ थी रेहाना और उनके 2 बच्चे थे, एक 5 साल का गालिब था और 3 साल का अहलान था. लाइक अस देवर कुर्द्स, और हमारी ही तरह वो भी कुर्द्स थे. फ्रॉम कोबेन, कोबेन से, एंड वर होपिंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन जर्मनी, और वो लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि हम जर्मनी में जाके एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे. दो द क्रॉसिंग टू कॉस इज शॉर्ट, जबकि हालांकि ये जो कॉस तक थी यात्रा छोटी ही थी, जस्ट 4 माइल्स 4 किलोमीटर ही, इवन शॉर्टर दैन द 8 माइल्स, 8 माइल से कम थी फ्रॉम बहरेम टू लेस्बोस, जबकि जो बहरेम से लेस्बोस की 8 मील की दूरी थी. द सी फॉर द साउथ इज़ मोर एक्सपोज एंड आफ्टर एन आर बाउंसिंग ऑन द वेव्स अ लार्ज वन केम एंड फ्लिप द डिंगी विद नो वार्निंग टॉसिंग एवरी वन आउट. फिर एक जैसे सी जैसे आगे आगे हम साउथ की तरफ बढ़े तो वो एक ज़्यादा एक्सपोज हुआ और हमें 1 घंटे में ही बाउंस, 1 घंटे के बाद हमें जो वेव थी वहाँ पे जो बाउंस किया, एक बहुत बड़ी वेव आई एंड फ्लिप्ड द डिंगी. फ्लिप्ड होता है ओवरटर्न, पलट देना, उस हमारी बोट को उसने पलट दिया विद नो वार्निंग, हमें कोई भी चेतावनी नहीं मिली. टॉसिंग एवरी वन आउट, और सभी जो हैं उस बोट से बाहर गिर गए. अब्दुल्ला ट्राई टू क्लिंग ऑन टू हिज लिटिल फैमिली, और जो अब्दुल्ला थे वो क्लिंग होता है चिपके रहना है, अपनी फैमिली को पकड़े रहे थे वो अपनी छोटी सी फैमिली को. बट वन आफ्टर द अदर देवर वॉश्ड अवे, लेकिन एक एक करके वो सभी उनसे छूट गए और सभी बह गए. ही स्टेड 3 आवर्स इन द वाटर, वो 3 घंटे पानी में रहे. डेस्परेटली सर्चिंग, उन्हें ढूंढते रहे. बट देवर लॉस्ट, लेकिन वो खो चुके थे. 11 ऑफ द पैसेंजर्स ड्राउन्ड, 5 ऑफ देम चिल्ड्रन, उसमें से 11 पैसेंजर जो थे वो डूब चुके थे, जिसमें से कि 5 बच्चे थे. द नेक्स्ट डे द फोटोग्राफ ऑफ लिटिल एलान कुर्दी लाइंग फेस डाउन, हेड डाउन, डेड इन द सर्फ ऑन अ टर्किश बीच, इन हिज स्मार्ट रेड शर्ट एंड लॉन्ग ब्लू शॉर्ट्स वेंट राउंड द वर्ल्ड. और जो अगले दिन है, जो फोटो वो थी छोटे से एलान की, एलान कुर्दी की, वो समुद्र के किनारे पर फेस डाउन करके डेड, जो उसमें टर्किश बीच था उस पर उसकी डेड बॉडी पाई गई, और वो एक रेड टी शर्ट में था और उसकी जो ब्लू लॉन्ग ब्लू शॉर्ट्स थी. और ये फ़ोटो जो है वो वायरल हो गया था, वेंट राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में सोशल मीडिया पर. व्हेन आई सॉ इट, जब मैंने इसको देखा लेटर ऑन फेसबुक, जब मैंने इसको फेसबुक पर देखा इस फोटो को, आई थॉट दैट कुड हैव बीन मी, मैंने सोचा ये मैं भी हो सकती थी. आई हैड टू टर्न द फ़ोन ऑफ, अब मुझे बहुत ज़्यादा एकदम बुरा लगा इससे कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया. एंड टेक अ डीप ब्रीथ, और एक लंबी सांस ली. एंड ट्राई टू थिंक टू माई सेल्फ, और मैंने अपने बारे में सोचा. ही इज़ एन इनोसेंट बॉय, वो एक बहुत ही मासूम बच्चा था. ही इज़ इन हैवन एंड हैप्पी नाउ, अब वो स्वर्ग में है और बहुत खुश होगा. व्हेन आई डिस्कस्ड इट विद माई सिस्टर्स, जब मैंने अपनी बहन से इसके बारे में डिस्कस किया, वी ऑल एग्रीड, हम सभी राजी हो गए थे. If we had heard about it, अगर हमने इसके बारे में सुना before our crossing, हमारी crossing से पहले, we would have gone back to Gaziantep, तो हम Gaziantep चले गए होते. For a normal person, एक normal person के लिए, the ferry from western Turkey to Mytilene, western Turkey से Mytilene तक, the capital of Lesbos, जो कि Lesbos की capital है Mytilene,
कॉस्ट 10 यूरोज़, जिसकी कॉस्ट थी क्रॉस करवाने की 10 यूरोज़ एंड टेक्स 90 मिनट्स, जिसमें कि 90 मिनट लगते थे। टू मेक द सेम क्रॉसिंग एज रिफ्यूजीज, और सेम क्रॉसिंग को करने के लिए रिफ्यूजीज, अगर आप रिफ्यूजी हैं, टेकन अस 12 डेज, तो उसमें 12 दिन लगते हैं टू अरेंज एंड कॉस्ट अस ईच $1500, और $1500 में लगते हैं पर हेड। वी हैड बीन एट सी 3.5 आवर्स, फिर हम 3.5 घंटे करीब करीब वहाँ पर रहे, एंड द सन वॉज सेटिंग, जबकि सनसेट हो रहा था, एंड वी वर स्टार्टिंग टू शिविर, और हम शिविर हो रहे थे, कांप रहे थे, व्हेन सडनली देयर वाज द आइलैंड राइजिंग लाइक अ जायंट ब्लैक रॉक अहेड ऑफ अस, और फिर हमारे सामने ही एक ब्लैक रॉक जो है, बड़ी सी जायंट, काफ़ी बड़ी रॉक जो है वो हमारे आगे आई। सोन वी कुड मेक आउट पीपल वेटिंग ऑन द शोर, और हमने थोड़ी देर में क्या देखा कि वहाँ पर जो लोग हैं उस बड़े से पत्थर जो था आइलैंड पर, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। डज एनीबडी स्पीक इंग्लिश, क्या कोई इंग्लिश बोल पाता है। वी हर्ड समवन शाउट, और हमने सुना कि कोई ऐसे चिल्ला रहा है। आई डू, आई कॉल्ड आउट, मैंने बोला हाँ मैं बोल पाती हूँ। एवरी वन लुक एट मी, और हर कोई मुझे देखने लगा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड स्पोकन इंग्लिश टू अ रियल इंग्लिश स्पीकर, और ये पहली बार हुआ जबकि मैंने किसी रियल इंग्लिश स्पीकर से इंग्लिश में बात की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड।